हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे आईपीसी की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, आईपीसी का फुल फॉर्म इंडियन पेनल कोड होता है। और दोस्तों, जब कोई अपराधी कोई क्राइम अपराध करता है तो उस पर आईपीसी की धाराएं लगाई जाती हैं। और दोस्तों, कानून के बारे में हमें थोड़ा बहुत तो पता होना जरूरी है ताकि वक्त आने पर हमें थोड़ा बहुत जानकारी हो। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं कि किस अपराध पर कौन सी धारा लगती है। तो दोस्तों, जुआ खेलने पर और सट्टा लगाने पर धारा 13 लगती है। इसके बाद अगली है धारा 24। तो दोस्तों, जब कोई बेईमानी करता है तो उसके ऊपर धारा 24 लगती है। इसके बाद है धारा 120। तो दोस्तों, जब कोई षड्यंत्र रचता है तो उसके ऊपर धारा 120 लगती है। इसके बाद है धारा 144। घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जनसमूह में सम्मिलित होना। इसके बाद है अगली धारा 171। चुनाव में घूस लेना या देना। तो दोस्तों, जब कोई चुनाव में घूस लेता और देता है तो उसके ऊपर धारा 171 लगती है। इसके बाद धारा 177। सरकारी कर्मचारी या पुलिस को गलत सूचना देना। जब कोई सरकारी कर्मचारी या पुलिस को गलत सूचना देता है तो उसके ऊपर धारा 177 लगती है। इसके बाद अगली है धारा 186। तो दोस्तों, जब कोई सरकारी काम में बाधा पहुंचाता है तो उसके ऊपर धारा 186 लगती है। इसके बाद अगली है धारा 191। झूठे सबूत देने पर धारा 191 लगती है। इसके बाद अगली है धारा 201। सबूत मिटाना। तो दोस्तों, जो सबूत मिटाता है तो उसके ऊपर धारा 201 लगती है। इसके बाद अगली है धारा 216। तो दोस्तों, जो लुटेरे या डाकू को शरण देता या छुपाता है तो उसके ऊपर धारा 216 लगती है। इसके बाद अगली है धारा 264। गलत तौल के बांटों का प्रयोग करना। तो दोस्तों, जो गलत तौल के बांटों का प्रयोग करता है तो उसके ऊपर धारा 264 लगती है। इसके बाद अगली है धारा 302। हत्या या कत्ल करना। तो दोस्तों, जो हत्या या कत्ल करता है तो उसके ऊपर धारा 302 लगती है। इसके बाद अगली है आत्महत्या के लिए उकसाना या प्रेरित करना। तो दोस्तों, जो आत्महत्या के लिए उकसाता है या प्रेरित करता है तो उसके ऊपर धारा 306 लगती है। इसके बाद अगली है धारा 307। तो दोस्तों, जो हत्या की कोशिश करता है तो उसके ऊपर धारा 307 लगती है। इसके बाद अगली है धारा 308। गैर इरादतन हत्या की कोशिश। गैर इरादतन हत्या की कोशिश करने पर धारा 308 लगती है। इसके बाद धारा 310। ठगी करना। तो दोस्तों, ठगी करने पर धारा 310 लगती है। इसके बाद अगली है धारा 312। गर्भपात करना। तो दोस्तों, गर्भपात करने पर धारा 312 लगती है। इसके बाद अगली है धारा 351। हमला करना। तो दोस्तों, जब कोई किसी पर हमला करता है तो उसके ऊपर धारा 351 लगती है। इसके बाद अगली है धारा 356। महिला के साथ छेड़छाड़ या लज्जा भंग करने पर धारा 354 लगती है। इसके बाद अगली है धारा 362। तो दोस्तों, धारा 362 अपहरण करने पर लगती है। इसके बाद अगली है धारा 363। किसी स्त्री को ले भागना। तो दोस्तों, किसी स्त्री को ले भागने पर धारा 363 लगती है। इसके बाद अगली है धारा 366। इसके बाद है धारा 376। तो दोस्तों, धारा 376 बलात्कार करने पर लगती है। इसके बाद अगली है धारा 379। तो दोस्तों, चोरी करने पर धारा 379 लगती है। इसके बाद धारा 392। लूट करना। तो दोस्तों, लूट करने पर धारा 392 लगती है।
इसके बाद धारा 395 डकैती करना। तो दोस्तों डकैती करने पर धारा 395 लगती है। इसके बाद अगली है धारा 396 डकैती के दौरान हत्या करना। तो दोस्तों डकैती के दौरान हत्या करने पर धारा 396 लगती है। इसके बाद धारा 415 छल करना। तो दोस्तों छल करने पर धारा 415 लगती है। इसके बाद अगला है धारा 417 छल करना या दगा करना। तो दोस्तों छल करने या दगा करने पर धारा 417 लगती है। इसके बाद अगली है धारा 420 छल या बेईमानी से संपत्ति अर्जित करना। छल या बेईमानी से संपत्ति अर्जित करने पर धारा 420 लगती है। इसके बाद धारा 489 जाली नोट बनाना या चलाने पर धारा 489 लगती है। इसके बाद धारा 493 धोखे से शादी करने पर धारा 493 लगती है। इसके बाद धारा 494 पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना। तो दोस्तों पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करने पर धारा 494 लगती है। इसके बाद धारा 496 बगैर रजामंदी की शादी करना या जबरदस्ती विवाह करना पर धारा 496 लगती है। इसके बाद अगली है धारा 499 और धारा 500 मानहानि। तो धारा 499 और धारा 500 मानहानि पर लगती है। इसके बाद है अगली धारा 506 आपराधिक धमकी देना। तो दोस्तों आपराधिक धमकी देने पर धारा 506 लगती है। इसके बाद अगली है धारा 509 स्त्री को अपशब्द कहना या अंग विच्छेद करना। तो स्त्री को अपशब्द कहने या अंग विच्छेद पर धारा 509 लगती है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।